नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन एकेडमी। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं 1991 के उन आर्थिक सुधारों की जिन्होंने हमारे देश की आर्थिक स्थिति को एक नई दिशा दी थी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो आज के इस लेसन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस 1991, मतलब कि 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। ये जो वीडियो तैयार की जा रही है वो MPPSC मेंस का जो GS पेपर 3 है उसके लिए तैयार की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी विकास यादव। तो ये मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय है जिसको आप देख सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको प्लीज़ रेट करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है और एक दिशा मिलती है जिससे कि हम आगे भी ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस बनाते चलें और इसके अलावा ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। इसलिए प्लीज़ रेट करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उनको रिकमेंड करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो उस समय जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसका विस्तार करने के पहले की जो नीतियाँ थीं उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के को काफ़ी आकुशल बना दिया था और इस क्षेत्र में ऐसी बहुत सी हानि जो है हमें देखने को प्राप्त हो रही थी। इसके अलावा जो लाइसेंस और नियंत्रण प्रणाली थी उन्होंने भी निजी क्षेत्र द्वारा जो निवेश है उस पर काफ़ी रोक लगा दिया था। इसके कारण जो विदेशी निवेशक हैं वो काफ़ी हतोत्साहित हो रहे थे और काफ़ी जो आर्थिक परेशानी है हमें देखने को मिल रही थी। इसलिए विकास के पहले जो 4 दशक थे उसमें जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थीं उसके संबंध में सरकार को फिर से जो है विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। इसी वजह से सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना प्रारंभ कर दिया था। आज़ादी के बाद 1991 का साल था वो भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और जो संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया था। बहुत आवश्यकता थी कि हम मूल्य स्थिरीकरण पर जोर दें और जो संरचनात्मक ढांचा है उसको मजबूत बनाया जा सके। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे जो राजकोषीय घाटा और जो विपरीत भुगतान संतुलन है उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिसके कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया। 1991 के पहले का जो समय था उसमें जो अत्यधिक नियंत्रण और जो लाइसेंस नीति थी उसके कारण जो निजी क्षेत्र में जो निवेश हैं उसके संबंध में काफ़ी सारी बाधाएं जो हैं उस समय उत्पन्न हो रही थी। तो इसी को दूर करने के लिए काफ़ी सारे नियमों को हटाया गया और कई नए नियमों को उसमें जोड़ा गया, जिससे कि जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश है उसको बढ़ावा मिल सके और हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो ठीक तरीके से चल सकें। इसके अलावा उस समय जो है सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था, लेकिन जो उससे आय प्राप्त हो रही थी वो काफ़ी कम थी और आकुशल और जो नौकरशाही के नियमों के कारण भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के हालात थे बहुत कम हो रहे थे। इसी वजह से जो हमारे कठोर नियम थे या फिर जो प्राइवेटाइजेशन का काम था वो इसमें जो है अप्लाई किया गया था। अब अगर हम 1991 की नई आर्थिक नीतियों की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे उद्देश्यों को शामिल किया गया था। 1991 में जो तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का शुभारंभ किया था। अब इसके पीछे उनके काफ़ी सारे उद्देश्य थे जिनको कि उन्होंने इस नीति में अपनाया था, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप भी बनाना, वैश्वीकरण का करने का जो इनका उद्देश्य था, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा निर्णय था जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान जो है वो बढ़ जाए, ग्लोबल स्तर पर इसका जो आदान प्रदान है उसको बढ़ाया जाए और बाजार का रुख जो है एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ाया जाए। इसके अलावा मुद्रा स्फीति दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना, मुद्रा के मूल्य में कमी आना भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी जिसको दूर करना सरकार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरह दिख रही थी। मुद्रा स्फीति की दर को नीचे लाने के लिए भी काफ़ी कुछ प्रयास उस समय सरकार ने किए थे।
इसके अलावा आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना भी एक बहुत बड़ी परेशानी जो हमारे पास चुनौती की तरह देखी जा रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के जो अनावश्यक प्रतिबंध हैं उनको हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तन करना। जैसा कि मैंने बताया था कि कई सारे ऐसे नियम थे, कई सारे ऐसी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र में कई सारी चीज़ों का जो उल्लेख है या फिर जो नए सेवा, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें कई सारी जो हैं समस्याएं थीं जिसमें कि कार्यकुशलता का अभाव था, अकुशल प्रबंधन था, तकनीकी पिछड़ावन था या वह जो राजनीतिक हस्तक्षेप थी, कुछ ऐसी परेशानियां थीं जिनको दूर करने भी इस नीतियों में शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है उसकी अनुमति प्रदान करना भी इन नीतियों में शामिल किया गया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना और सरकार के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या को घटाना भी इस जो नीति थी उसका एक प्रमुख उद्देश्य की तरह बनाया गया था। इसके अलावा 1991 के मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था को भी काफ़ी असरदार बनाने के लिए अपनी जो नीतियाँ थीं उनमें भी काफ़ी बदलाव किए थे जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो तेजी है वो बढ़ने लगी और जो हमारे आर्थिक सुधार जो है वो देखने को हमें प्राप्त हुई। अब नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करने का भी था। जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की कमी भी एक ऐसा कारण था जो कि हमारी नीतिगत जो हम बदलाव चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उत्पादकता में बढ़ावा देना भी हमारी इन नीतियों में शामिल किया गया था। अब अगर हम नई नीतियों की बात करें तो इसमें जो कदम उठाए गए उनमें सबसे पहला था वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण करना। क्योंकि उदारीकरण का दौर भी इस समय चालू कर दिया गया था तो उस समय जो है काफी जो बैंक थी, जो अलग अलग बैंक थी वाणिज्यिक बैंक, उनको एक तरीके से उनको एक अधिकार दिया गया जिससे कि जो भारतीय रिजर्व द्वारा जो निर्धारित ब्याज दरें हैं उनके अलावा भी वो अपने जो है कुछ ब्याज दरें निर्धारित कर सकते हैं और उनका उपयोग आर्थिक नीतियों को चलाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा उनने लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा में भी वृद्धि कर दी थी। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई थी जिससे ये कंपनियां जो हैं अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के लिए अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकें। इसके अलावा सामान आयात करने के लिए जो पूंजीगत स्वतंत्रता है वो भी प्रदान की गई। इसमें भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र थे। इसके अलावा उद्योग के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। जब उदारीकरण का दौर आया तो उसमें कई सारी विनिवेश की प्रक्रिया भी चालू की गई। मतलब कि उस समय जो सार्वजनिक उपक्रम में जो पूंजी लगी होती थी, सरकारी पूंजी, उसको बाहर निकाला जाता था। तो उसी क्षेत्र में जो उदारीकरण की जो परिभाषा इसमें परिभाषित की गई उस समय उद्योग जो है अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादनता की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र थे। इससे पहले जो सरकार थी वो उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी, लेकिन जब उदारीकरण का दौर आया तो उसमें जो है उत्पादन क्षमता को अलग अलग तरीके से उन्होंने अप्लाई कर दिया और जो बाजार है, उद्योग बाजार है, वो अपनी आवश्यकता के आधार पर स्वयं ही उत्पादन के बारे में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो गया था। इसके अलावा प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक जो व्यापार प्रथा है वो अधिनियम 1969 के अनुसार वो सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है उनको MRTP कंपनियां कहा जाता था। इसी कारण पहले उन जो प्रतिबंधित जो कंपनियां थीं वो प्रतिबंधित भी थीं, लेकिन इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पहले से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन जब उदारीकरण का दौर आया तो उसमें जो ये नियम है वो हटा दिया गया और उनको पूर्वानुमति लेने के लिए भी आवश्यकता नहीं दी गई। अब हम बात करते हैं उदारीकरण की। उदारीकरण में सरकार ने जो कई सारे टैक्सेस या कई सारे रोक लगाए थे ना कानूनों के द्वारा, उनमें उनको सारे सारे समाप्त कर दिया गया था।
जिसमें कि औद्योगिक लाइसेंस और जो पंजीकरण है उनको भी समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले जो निजी क्षेत्र थे उनको अपना नया उद्यम शुरू करने के लिए सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता था। इस नीति में निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से भी मुक्त कर दिया गया था, जो कि उदारीकरण में देखा गया। निम्न उद्योगों के लिए लाइसेंस अभी भी आवश्यक हैं, जिसमें परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिजों का खनन और परमाणु ऊर्जा भी सम्मिलित हैं। अगर हम निजीकरण की बात करें तो साधारण शब्दों में निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्रों द्वारा उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति देना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो जब ये दौर आया था 1991, उनमें निजीकरण को काफ़ी महत्व दिया गया, जिससे कि जो अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उनमें भी निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि जो हमारी आर्थिक गति है उसको काफ़ी बल मिला। इस नीति के तहत कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया गया था। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की जो मालिकाना हक हैं उनका स्थानांतरण निजी हाथों में हो जाता है। निजीकरण का मुख्य कारण जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भी माना जाता है, जिसमें कि पीएसयू का घाटा जो चलना था वो भी इसमें देखा गया। इसके अलावा जो कंपनियों के प्रबंधक थे वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे, इसी कारण से जो उत्पादन क्षमता है वो भी कम हो गई थी, इसलिए निजीकरण को उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। निजीकरण के लिए उठाए गए कुछ कदम की हम इसमें बात करते हैं, तो जो कदम उठाए गए उसमें सबसे पहला था शेयरों की बिक्री से। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सार्वजनिक और वित्तीय स्थानों को बेच दिया, जैसे कि सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर बेच दिए। बेचे गए शेयर निजी उद्योगों के हाथ में चले गए। इसके अलावा पीएसयू में विनिवेश किया गया। सरकार ने उन पीएसयू में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जो घाटे के से चल रही थी। इसका तात्पर्य था कि सरकार इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की कीमत से इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया था। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण करें तो इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया था और ऐसा माना गया था कि जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से जो गरीबी है उसको भी घटाना इनकी एक प्रमुख उद्देश्य में माना गया था। अब इसमें कई सारे पीएसएस को संख्या को भी घटाया गया, जिसमें कई सारे ऐसे हैं जो कि परिवहन और रेलवे से जुड़े थे, परमाणु खनिजों के खनन से जुड़े थे और परमाणु ऊर्जा से भी वो जुड़े हुए थे। अब अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्वभर में ऐसे व्यापार को पूरी दुनिया में ले जाना जिससे कि जो हमारी सेवाएं और वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान हो सके, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विदेशी निवेश व्यापार उत्पादन और जो वित्तीय मामले के संबंध में बाकी दुनिया के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के लिए जो कदम उठाए गए उनमें आयात दरों में कटौती भी एक शामिल था। आयात पर जो सीमा शुल्क है और जो निर्यात पर लगाए जाने वाले शुल्क हैं उनको धीरे धीरे घटाया जाने लगा और कम कर दिया गया, जिससे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक निवेशकों के लिए काफ़ी आकर्षक बना दिया गया, जिससे कि जो वैश्विक लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, उन्होंने हमारे देश में निवेश करना प्रारंभ कर दिया। दीर्घकालिक व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति को लंबी अवधि के लिए लागू कर दिया गया था। अब इनकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहली थी उधार नीति। इसके अलावा विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए थे। तीसरा, बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया था। अगर इससे पहले की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए और गरीबी को हटाने के लिए भी जो खुली प्रतियोगिता है बाजार की उसको बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद कई सारे ऐसे पीएसयूज थे जिनको कि आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाया गया था और इनको जो है भारतीय ढांचा के अनुरूप ढाला गया था। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।